अभी हम बांदा पहुंच चुके हैं। ये है महाराणा प्रताप चौक। जय श्री राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है, रोटी दाल और बैगन। बैगन। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। और आज टोटल मुझे हो चुके 31 डेज दोस्तों। इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतना कोहरा है बाहर, मैं क्या ही बोलूँ। मैंने अंदर कपड़े पहने हैं, पैंट में भी दो दो पैंट पहने हैं, फिर ऊपर से मैंने बुरखा डाला है, फिर हिजाब डाला है, फिर ये जो मैंने ऊपर स्वेटर टाइप जो मुंबई में से लाया था मैंने ये डाला है। ओ गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। और मैं आपको मेरे टेंट बताती हूँ। टेंट में पूरा वो जो क्या बोलते हैं उससे ओस, ये देख सकते हो पूरा गीला गीला हो चुका है। इधर से आपको नहीं पता चलेगा लेकिन ये पूरा गीला हो चुका है। और ये टेंट में मैं रात को सोई थी, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया था क्योंकि बाहर का बहुत ठंडी थी तो अंदर थोड़ा सा गर्म गर्म फील हो रहा था। और अभी टेम्परेचर 8 के आसपास है। बाप रे, बस अभी हम लोग राम जी का नाम लेके निकल रहे हैं अपने यात्रा को आरंभ करने के लिए। और हमें आज स्टे करना है बांदा, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिन से नहाने नहीं मिल रहा है, बाल वॉश करने नहीं मिल रहा है, कपड़े धोने नहीं मिल रहे, मतलब रात को स्टे सही प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा। तो बांदा एक बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ पर हम बाल वगैरह भी धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे भी, कपड़े भी वॉश करेंगे, क्लीनिनेस रखना भी ज़रूरी है। तो बोलो मेरे साथ जय जय श्री राम। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हमें नाश्ता नहीं मिल रहा था, पूरा जंगल जंगल है। तो ये भैया ने हमें नाश्ता ला कर दिया है ताकि हम नाश्ता करके अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप भी मिर्ची के लो, खाने के लिए नाश्ता करने के लिए भाई ढेर सारा नाश्ता दे दिया अंकल जी ने। बाकी समोसा तो मैं खाऊंगी भाई, इधर का समोसा, यूपी का समोसा तो एक नंबर रखा। और ये देखो मिर्ची खा रहा है। हाँ, इसके मुंह से धुआं निकल रहा है, अभी और धुआं निकलेगा। नहीं भाई, ये वाली मिर्ची वैसी मिर्ची नहीं होती, ओनली समोसा है। समोसा और चटनी है ना, जलेबी नहीं है। बिल्कुल जलेबी के लिए ये मरे जा रहा है। देखो हाँ। जो मिलता है खा ले राम जी का नाम लेके, हाईवे पे अपन वही ना, राम जी का नाम लेके खा ले। एक तो अपन को एक अच्छा सा जगह मिल गया जहाँ बैठ के खा सकते हम लोग अच्छे से। और ये जो छोटा सा कुटिया बना हुआ है इनका है, देख सकते है बच्चे, इनको भी हमने शेयर किया है, ये आंटी जी का है। चलो अभी नाश्ता करो। तो दोस्तों अभी हम बांदा पहुंच चुके हैं और बांदा में हमें केन रिवर देखने को मिल रहा है। और रिवर थोड़ा ही दिख रहा है, बाकी तो पूरा सूख चुका है। आप इस तरफ देखो, तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ठंडा मौसम है। अभी चलने के कारण थोड़ा बॉडी में हीट है, बाकी तो ठंडी बहुत है यहाँ पर। मौसम देख लो, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे साथ चल रहे पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, आप देख सकते हो, और पीछे भी है, और मेरे पीछे एक और गाड़ी है वो भी उत्तर प्रदेश की वैन है। और इस तरफ देख लो पूरा कोहरा कोहरा है, पीछे दिखा दो ना, है ना, पूरा इस तरफ कोहरा ही है चारों। हाँ, और हम चल रहे ब्रिज पे, आप देख सकते हो इस तरफ भी पूरा कोहरा कोहरा। और ये गाड़ी है। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं, ये हम आ चुके हैं बांदा सिटी में। ये पूरा बांदा सिटी का मार्केट है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी हमारे जो साथी है वो आगे चल रहे हैं। इधर देखिए आई लव बांदा लिखा है और सामने ये है महाराणा प्रताप चौक, जो कि बहुत ही फेमस चौक है बांदा का, देख सकते हैं। हमें बांदा सिटी में दिखा एक बहुत ही बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा संकट मोचन हनुमान मंदिर है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर का नजारा है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।
भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए हमें इजाजत दीजिए। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी हम लोग डोसा खा रहे हैं। ओह कितना बड़ा डोसा, मसाला डोसा, क्योंकि अभी हम लोग हैं एकदम शहर में, बांदा शहर में, सिटी में आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो फास्ट फूड होगी हमें खाने मिलेगा, बाकी आज बहुत सारी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, तो वो आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा। शबनम जी क्या कर रही हैं? मैं शॉपिंग करने आई हूँ। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए, मतलब पहनने के लिए नहीं, मतलब कोई ओकेशन वगैरह है क्या? हाँ, 22 तारीख को ओकेजन है ना, दिवाली है पूरे भारत में, उसके लिए शॉपिंग करनी है। और ऐसे भी कपड़े चाहिए मुझे, उसके लिए भी मैंने लिया है। अच्छा, दिखाइए जरा एक बार। ये टॉप लिया है मैंने ऊपर पहनने के लिए। चलिए ठीक है, अभी बस एक अकेला खरीदना है क्या? नहीं, और भी खरीदना है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए लीजिए आप, फिर हम दिखाते हैं आपको बाद में। अभी मैं पार्लर से आ रही हूँ, जस्ट मैंने बाल वगैरह वॉश किया और ये मैंने नए कपड़े लिया क्योंकि यात्रा के लिए चाहिए होते हैं। और अभी मोमोज खा रही हूँ गरम गरम, और कपड़े खरीदने जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये इतना इनफ नहीं है, और कपड़े लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैंने साड़ी खरीदा है और बहुत सारे लाइक अपने दोस्तों के लिए ऊपर का हुडी खरीदा है और टॉवल वगैरह भी लिए, बहुत सारी चीज़ें ली है। और मैं आपको अपने रूम में जाके बताऊंगी, तो अभी बहुत ठंड है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। तो दोस्तों मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं घर पे आके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। कपड़ा देख सकते हो, मैंने ये भगवे कलर का, ऑरेंज कलर का हुडी लिया है अपने सारे दोस्तों के लिए, और साथ ही साथ ये टॉवल वगैरह लिया है, और ये दो साड़ियाँ लिया है, बहुत प्यारी है, बाय वन गेट वन फ्री था ये लिया है, और ये दोनों साड़ी पे एक ब्लाउज मैच करेगा ये लिया है, और ये पर्स लिया है, और ये जो ऊपर का ब्लैक दिख रहा है, और ये भी लिया है, और बाकी ये सॉक्स वगैरह लिया है। आप देख सकते हो, मतलब ये मेरा सॉक्स है, लड़कों का सॉक्स अलग है। तो ढेर सारी शॉपिंग हो गई, और पार्लर भी गई थी, उसमें उधर जाके मैंने अपने हेयर वॉश करवाया, थोड़ा सा टच अप लिया है, इसी लग ही नहीं रही हूँ कि मैं हूँ। और ये पीछे भैया लाइट देखो ऑन। बाकी आपको रूम दिखाती हूँ, ये रूम देखो कितना मस्त है, पर इन लोगों ने पूरा गंदा कर दिया। आगे मैं बताती हूँ, आ जाओ। ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर हम खाना खाएंगे, प्लीज कम। और एक और बेडरूम है, और यहाँ पर इन लोगों ने फैन चालू किया, इतनी ठंडी है, कपड़े सुखा रहे अपने, चलो पूरा रजाई रजाई। और ये हॉल है, हॉल है देख सकते हो, और किचन दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना, भैया एक रोटी में बनाओ, पानी गर्म हो गया, ठीक है। आप देखिए, आप बहुत दिन बाद ऐसे ऐसे करती हूँ, बोल बोल ऐसे कुछ, अबे घर की याद आई इसको, रोटी बनाओ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अजय, अरे हम तो तुम्हें ले रहे हैं ना, फिर हम ये भेज आ रहे हैं, तुम आराम से आएंगे। बजा उठो, मैं बुला के आ रहे थे 2-3 मिनट में। अजय नहीं, इसको ऐसे ऐसे करो ना, गोल गोल, इसको ऐसे गोल गोल ऐसे करते रहो, करके नहीं बोल रही, करो करो प्लीज, चलो कर दो। हां हेलो, ट्राई करती हूँ, बहुत दिन बाद बना रही हूँ। भाई एक महीना हो गया किचन में नहीं गई, आज याद करो दादा। तुम भैया को हेल्प नहीं कर सकते हो? बेशरम, वो मैं कर लूंगी। टी लवर आज रोटी बना रही है। बना ली बांदा की रोटियां। बांदा की थोड़ा सा ना लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। अच्छी रोटी बनने की थी मेरी, ओह शिट थोड़ी सी खराब हो गई, कोशिश कर रही भाई, बहुत दिन बाद बना रही। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा सही बनाओ, लेकिन अच्छा ही बनाओ। मुझे लगा आदत छूट गई रहेगी। तेज नहीं क्या? अरे गैस ही बंद है भाई। सब रेडी हुआ तो चूल्हा ही नहीं चालू है। तब से बोल रही हूँ, बंद क्यों नहीं रहा है?
कच्चे कच्चे, ये भैया की रोटी है देख लो। अरे यार बन गई रोटी यार, कपड़े वपड़े चेंज करो। थम्बा थम्बा अच्छा वीडियो चल रहा है क्या? वीडियो चल रहा है क्या? वीडियो आज घर की याद ताजा कर रही है रोटी बना के। बोल नहीं कर रही हूँ, समझे ना, मैं लड़की हूँ, मेरा काम है करना। हाय हाय गर्मा गर्म रोटी बन गई। चिपक रहा है ये बहुत। ऐसे रोटी बनाई तो हो गया भैया, बना लो भाई इज्जत कर भाई 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 बहन का एक ब्लॉग बना दे। तो दोस्तों हम लोग डिनर में कर रहे हैं रोटी दाल और बैंगन आलू की सब्जी, और शॉपिंग करने के बाद इतने ठंड में जाने के बाद गर्मा गर्म खाना खा के तो मजा आ गया। सब प्रभु की लीला है। और आपको हम मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिन्होंने हमें यह रहने की जगह दी और इतना अच्छा रूम हमें प्रोवाइड किया है, घर प्रोवाइड किया। तो कल आपको वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि मैं उनसे मॉर्निंग में मिलने वाली हूँ और अभी खाना खा के बस सोने वाले हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। खाना खाया है।